हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल राइट इन्फो। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में गाइस हम लोग अनबॉक्स करेंगे एनवीडिया GeForce GT710 ग्राफिक्स कार्ड, जो कि कलरफुल ब्रांड का है। अगर गाइस आपका बजट है कम और आप चाहते हैं कुछ अच्छा ग्राफिक्स कार्ड लेना, तो गाइस आप ले सकते हैं एनवीडिया GeForce GT710 ग्राफिक्स कार्ड। ऑब्वियसली अलग अलग ब्रांड का आप ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, एसुस का हो, MSI हो, गीगाबाइट हो, या कोई भी ब्रांड। बस गाइस आपको चेक करना है कि जो उसमें हीट फैन है कि नहीं है, क्योंकि अगर फैन होगा तो हीट इजीली डिसिपेट करेगा और आपका जो लाइफ है प्रोडक्ट की ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट का गाइस जो एनिमी है वो हीट ही होता है। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करेंगे कलरफुल मेक का एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड, जो कि 2GB ग्राफिक्स कार्ड है, DDR3 टाइप का। तो चलिए गाइस देखते हैं इस वीडियो को, और पहले देख लेते हैं बॉक्स को। गाइस ये है बॉक्स का फ्रंट लुक। इस पे है रेड कलर में ड्रैगन प्रिंटेड है इस पे गाइस, और ऊपर कलरफुल की ब्रांडिंग है, और एनवीडिया GeForce GT710 यानी GT710 मेंशन है। तो चलिए गाइस अब देख लेते हैं बैक साइड जो बॉक्स का है। तो गाइस ये है बैक साइड, इस पे काफ़ी सारे डिटेल जो है इस पे गाइस प्रिंटेड है। सबसे ऊपर गाइस एनवीडिया का लोगो है, और GeForce GT710 यहाँ पे जो मॉडल है वो प्रिंटेड है, और जो ब्रांडिंग है कलरफुल की वो टॉप राइट कॉर्नर पे है गाइस। उसके अलावा गाइस पे जो डिटेल मेंशन है अलग अलग लैंग्वेज में, बट हम अपनी लैंग्वेज जो है उसमें देख लेते हैं क्या है। सो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, अडॉप्ट्स द ग्लोबल लीडिंग एनवीडिया GeForce GTX/GT GPU, अडॉप्ट्स द ग्लोबल लीडिंग क्यूडा जेनरिक पैरेलल कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर टू अलाउ GPU टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स, provides full support for the physics technology to bring realistic animation effect in games, provides support for Microsoft DirectX 11-12। so guys ये सारी details लिखी हुई है, यही same चीज़ अलग अलग language में। अब side में देख लेते हैं guys इस पर और जो तीन points दिए गए हैं इन्होंने बताया हुआ इस card के बारे में। तो guys एक तो चीज़ इन्होंने बताई है कि इन्होंने जो प्रोडक्ट है आफ्टर स्ट्रिक्ट टेस्ट फॉर 5000 आवर्स का जो टेस्ट किया, उसके बाद इनके से ये जो कंपोनेंट्स हैं इंश्योर करते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस जो है ग्राफिक्स कार्ड की बेस्ट रहे, अच्छी ड्यूरेबिलिटी, स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी रहे। और गाइस इसमें स्मार्ट फैन है जो कि हीट को डिसिपेट करता है इजीली, और नॉइज जो है उसकी कम है क्योंकि ये स्मार्ट फैन है, इनका ये ऐसा कहना है। साथ में गाइस इसका कैपेसिटर जो है वो अच्छा है, ऑल सॉलिड स्टेट डिज़ाइन ऑफ कैपेसिटर, जिससे कि जो सर्विस लाइफ है वो अच्छी रहेगी। और गाइस ये कह रहे हैं कि जो पावर कंजप्शन है वो इसमें लो है, यानी हाई एनर्जी सेविंग है। ये सारी चीज़ें बॉक्स में मैंशन है गाइस। उसके अलावा गाइस जो है बॉक्स में बॉटम में देख लेते हैं क्या मेंशन है। ये गाइस कुछ चाइनीज में लिखा हुआ है, उसके अलावा सी यानी इंपोर्टेड और अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। और लेफ़्ट साइड में जो बॉटम में गाइस मेड इन चाइना मेंशन है, ऑब्वियसली चाइनीज कंपनी है और उनका एड्रेस दिया गया है। और साथ में गाइस ये ROHS कंप्लायंट है और रिसाइकलेबल है, तो इसको डस्टबिन में थ्रो ना कीजिए गाइस, इसमें कंपोनेंट जो है वो रिसाइकलेबल। तो चलिए गाइस अब देखते हैं अब इसके साइड में, बॉक्स के साइड में क्या है। सो गाइस ये है बॉक्स का साइड, फ्रंट साइड है गाइस, बैक साइड भी देख लेंगे अभी। सिंपल कुछ नहीं है, ब्लैक कलर का है, इस पे वाइट कलर में GeForce GT लिखा हुआ है, साथ में 710 मेंशन है और कलरफुल की ब्रांडिंग है। और बैक साइड में भी गाइस ये देखिए एकदम बैक साइड है, एकदम सेम है। अब इसके जो है लेफ्ट और राइट साइड देख लेते हैं। तो गाइस ये पहले है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में सिंपल कलरफुल की ब्रांडिंग है, और यहाँ पे बार कोड है और सीरियल नंबर लिखा हुआ है गाइस। ये 2GB का DDR3 टाइप का ग्राफिक्स कार्ड है, जो PCI Express 16 स्लॉट में लगता है गाइस, और यह NVIDIA GeForce GT710 वाइट एंड ब्लैक कलर में प्रिंटेड है ग्रीन बैकग्राउंड पे। तो गाइस
ये था इसका लेफ्ट साइड। अब गाइज हम इसका देख लेते हैं राइट साइड। गाइज ये है राइट साइड। राइट साइड में ये वाइट स्टिकर लिखा हुआ है और इस पर जो इंपोर्ट कर रहा है इंडिया में उसकी बारे में डिटेल्स जो है इस पर दिया गया है, तो हम उसको एक बार देख लेते हैं जूम करके। सो गाइज ये मैन्युफैक्चर्ड बाई है कलरफुल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड और कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना जैसा बताया मैंने गाइज। और मैन्युफैक्चरिंग मंथ और ईयर है अक्टूबर 2020 और इसमें नेट क्वांटिटी 1 है ऑब्वियस है। और ये और इसको इंडिया में राशि पेरिफेरल्स प्राइवेट लिमिटेड जो है उसको इंपोर्ट करता है गाइज, मोस्टली आइटम्स ये करता है, काफ़ी बड़ा इंपोर्टर है। और गाइज इसमें जो है पैकेज में VGA 1 ग्राफिक्स कार्ड जो है मैनुअल है और CD है ड्राइवर की गाइज इसमें। और इसकी MRP 3800 है जो कि बट आपको मिल जाएगा ये 3500 से काफ़ी कम में। और बाकी कस्टमर केयर का सपोर्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट एड्रेस गाइज दिया गया है। सो गाइज ये सारी डिटेल्स हैं इस वायर स्टिकर पे जो मैंने आपको बता दिया है। तो अब बढ़ते हैं आगे और गाइज करते हैं इस बॉक्स को अनबॉक्स और देखते हैं NVIDIA GeForce GT710 ग्राफिक्स कार्ड कैसा है, जो कि एक बजट ग्राफिक्स कार्ड है। तो गाइज अब हम ओपन करते हैं बॉक्स को। तो गाइस ये ओपन किया हमने बॉक्स को और इसके अंदर है सामने ही गाइस एक ये फॉर्म सेफ्टी के लिए। उसके अलावा गाइस ये एक है क्विक गाइड और मैनुअल और एक आती है गाइस इसमें ग्राफिक्स कार्ड ड्राइवर की CD। फिर आता है गाइस एक और फॉर्म और ये है गाइस हमारा ग्राफिक्स कार्ड जो कि एक पॉलीथीन में पैक है, जो कि स्टैटिक प्रूफ पॉलीथीन है, स्टैटिक चार्जेस से बचाने के लिए होती है। ये सब डिवाइसेस में दिख जाएगी हार्ड डिस्क और RAM। और ये है गाइस बैक प्लेट। जब कैबिनेट में हम अपना ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं तो पीछे का जो ओपनिंग होती है उसको कवर करने के लिए होता है गाइस ये बैक प्लेट। और ये लास्ट फॉर्म है और इसके अलावा आप देख सकते हैं बॉक्स में और कुछ भी नहीं है। तो गाइस ये सारे कंटेंट हमें मिलते हैं अपने इस बॉक्स में, बैक प्लेट गाइस मैंने बता ही दिया है कि स्लीव्स होता है बैक पैनल में लगाने के लिए ग्राफिक्स कार्ड फिक्स करने के बाद। ये है गाइस ड्राइवर की CD और ये है गाइस क्विक गाइड या मैनुअल। इसके अंदर देखते हैं गाइस क्या है। अच्छा सिंपल गाइस इसमें हमको बता रखा है कि ग्राफिक्स कार्ड को कैसे इंसर्ट करना है, कैसे मदरबोर्ड में लगाना है और कैबिनेट में फिक्स करना है। उसके अलावा यहाँ पे पोर्ट्स की डिटेल दी है और हर मॉनिटर पे जरूरी नहीं है कि सारे पोर्ट्स हों और ग्राफिक्स कार्ड में भी सारे पोर्ट्स नहीं होते, वो जो होंगे हम चेक कर लेंगे। उसके अलावा गाइस यहाँ पे नोट्स दिए हैं, पॉइंट्स दिए हैं कि हमें कैसे ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल करना है, कनेक्ट करना है मॉनिटर से और ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करना है। ये सारे पॉइंट्स गाइस हमको यहाँ पे दिए गए हैं। तो गाइज इसमें जो है ग्राफिक्स ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए वेबसाइट दी गई है जिसके थ्रू आप ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा ये सारी चीज़ें सेम अलग अलग लैंग्वेज में लिखी हुई है जिसकी हमें जरूरत नहीं है। तो ये है हमारे मेन्यू में। अब गाइज हम अनबॉक्स करते हैं अपना ग्राफिक्स कार्ड जो कि एक पॉलीथीन में है और इस पर सील लगी हुई गाइज, ये स्टैटिक प्रूफ पॉलीथीन होती है। तो गाइज अब इसका सील रिमूव करते हैं और ग्राफिक्स कार्ड को निकालते हैं। सो गाइज ये है हमारा ग्राफिक्स कार्ड NVIDIA GeForce GT710 कलरफुल जो है इसका मेक है। सो गाइज आपको इस पे मिल जाता है एक फ़ैन जो कि इस बजट ग्राफिक्स कार्ड में मिल रहा है, तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है। इस पे कलरफुल का ब्रांडिंग है ड्रैगन के साथ और गाइज नीचे आप देख सकते हैं हीट सिंक है। और हीट सिंक और फैन होने का ये फायदा है कि गाइस जो एयर फ्लो होगा उससे जो हीट है वो इजीली डिसिपेट होगी और ग्राफिक्स कार्ड की लाइफ बेटर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट की जो गाइस सबसे बड़ा एनिमी होता है वो हीट ही होता है। और नीचे गाइस ये आप देख सकते हैं जो पिंस हैं सारी ये PCI Express स्लॉट में ये ही इंसर्ट होता है और ग्राफिक्स कार्ड उस पर अटैच होता है।
और ये बैक साइड है गाइस ग्राफिक्स कार्ड का, आप देख सकते हैं यहाँ पे चाइनीज में कुछ लिखा हुआ है, साथ में सीरियल नंबर का स्टिकर लगा हुआ है जो कि वारंटी के टाइम में बहुत यूजफुल होगा। और इस पर इसका जो है मॉडल नंबर लिखा हुआ है, ये ग्राफिक्स 2GB ग्राफिक्स कार्ड है गाइस, ये DDR3 टाइप का। और गाइस अब हम इसके जो है स्लॉट्स देख लेते हैं, ये इसके स्लॉट्स गाइस। इसमें ब्लू कलर में जो है गाइस ये VGA स्लॉट है, इससे मॉनिटर इजीली कनेक्ट हो जाएगा, ये जनरली सब मॉनिटर में रहता है। बीच में गाइस मिलता है हमें जो है VGA स्लॉट, जो है इसके बाद जो बीच में है गाइस वो है ये HDMI स्लॉट गाइस। HDMI स्लॉट गाइस होता है हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस, जिससे कि आप ऑडियो वीडियो दोनों एक साथ ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे आप प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में है गाइस आपका DVI पोर्ट, ये भी काफ़ी सारे डिवाइस में मिल जाता है, मॉनिटर्स में मिल जाता है। और नहीं होगा तो गाइस आपको इसके लिए कन्वर्टर की जरूरत पड़ती है। तो गाइस ये है हमारे सारे स्लॉट्स। अब गाइस हम इसका 360 डिग्री व्यू देख लेते हैं। सो गाइस ये है इसका 360 डिग्री व्यू। और गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो गाइस प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड गाइस कोई भी क्वेश्चन हो सजेशन हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और गाइस प्लीज़ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।